इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स एंड जस्टिस, सोशल जस्टिस, आई थिंक सोशल जस्टिस की आज मीटिंग यहाँ पे हुई, और यहाँ बाहर से जो नेशनल लेवल के सारे अधिकारी यहाँ आए हैं, तो उन लोगों से हमारी एक बातचीत करेंगे हम, उनसे जानते हैं कि आज का मेन उद्देश्य क्या है, कि आज की बैठक को क्या क्या वो लोग सोचे हैं, कि आज का मेन मुद्दा क्या है इनका। आज सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे रजनी जी से, कि नेशनल सेक्रेटरी हैं आप तो इस ऑर्गेनाइजेशन में, तो आप क्या कुछ कहेंगे आज की मीटिंग के विषय में? सर, आज की मीटिंग एक शुरुआत है यहाँ के लिए, रक्सौल की समस्याओं के लिए प्रयास सभी कर रहे हैं, यहाँ के लोग ऑलरेडी पहले से प्रयास कर रहे हैं, हमारी भी कुछ भागीदारी उसमें हो, इसके लिए यहाँ एक मैकेनिज्म रेडी कर रहे हैं हम, कि यहाँ की कोई समस्या है, पर्टिकुलर यहाँ की समस्या के लिए यहाँ के लोगों के साथ मिलके कुछ पार्टिसिपेशन करके हम क्या बेहतर कर सकते हैं, उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। और जी धन्यवाद। साथ में हैं मेरे शिवम सौरभ जी, जो रक्सौल से ही हैं और इनको चीफ ऑफ बिहार बनाया गया है इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में, तो हम चाहेंगे वो आज की मीटिंग जो ऑर्गेनाइज कराए हैं उसके विषय में कुछ बोले। किसी भी काम को करने के लिए संख्या ज़रूरत होता है, तो आज की मीटिंग में हमारा मेन मकसद ये है कि लोगों की समस्या का समाधान संख्या से हो सकता है। जब तक वो संख्या नहीं है, मजबूती आवाज़ बुलंद नहीं होगी, तब तक किसी चीज़ की समस्या का हल नहीं हो पाएगा। तो जितने भी लोग आए थे या हमारे इस वीडियो को जितने भी लोग देख रहे हैं, हम चाहेंगे कि आप हमारे साथ जुड़े, और हम लोग रक्सौल एक इंटरनेशनल बॉर्डर है, इंटरनेशनल सिटी है, लेकिन उस तरीके का डेवलपमेंट यहाँ पे नहीं हुआ है। तो हम सब लोग मिलके आवाज़ उठाएं, और प्रयास हमारा ये होना चाहिए कि अगले कुछ महीनों में ये घोषणा हो, और यहाँ का डेवलपमेंट जो विस्तार है वो एक स्पीड से आगे बढ़े, और ये रक्सौल के लिए बहुत ज़रूरत है। तो आप सभी से अनुरोध है कि आप हमारे साथ जुड़िए, और आपके सहयोग के साथ ही हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। साथ में मनोज जी भी हैं, यहाँ नेशनल एडवाइज़र है इस ऑर्गेनाइजेशन के, उनसे भी मैं जानने की कोशिश है कि क्या कुछ विस्तार के लिए बात हो रही है, कि उसको विस्तार किया जाए, क्या विस्तार के पक्ष में पहले है या यहाँ के डेवलपमेंट के विषय में पहले हैं? सर, हमारा पूरा इंडिया लेवल पर विस्तार करने का प्रयोजन है, और हम चाहते हैं कि पूरे देश के अंदर हमारे ह्यूमन राइट्स का नाम हो और हम लोगों की सेवा कर सके, बाकी हमारे संस्थापक। और साथ में ये साथ में है नीरज सर, जो नेशनल प्रेसिडेंट है, तो क्या आप क्या कुछ कहेंगे आज के विषय में? नमस्कार नवीन जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमको इस काबिल समझा कि आप हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं। मैं यहाँ लोगों से निवेदन करने आया हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे साथ जुड़िए, जो भी यहाँ की समस्याएं हैं वो बताइए, तो हम उसका निवारण करने की पूरी तरह से प्रशासन से मिलकर कोशिश करेंगे। अभी आज हमने यहाँ पे मीटिंग रखी, कुछ पत्रकार भाई भी हमारे आए जो हमारा सहयोग करना चाहते हैं, कि यहाँ पे नशा बहुत ज़्यादा प्रभावी है लोगों के ऊपर, तो उसको हम किस तरह से ख़त्म कर सकते हैं, उसके लिए हम क्या प्रयास करते हैं, वो हम सोच रहे हैं कि हम उसको किस उस मुद्दे को कहाँ तक लेके जाएं। और इसमें हमारी बहन ने भी बताया, और ये पूर्णिमा जी, और ये बहुत बड़ी समाज सेविका है यहाँ की, और बिल्कुल प्रबल हमारे आप इनको नाम दे दें, महारानी झांसी या जो भी लेडी सिंगम, जो भी कुछ कहें, इतनी बोल्ड महिला यहाँ पे है, लेकिन अकेले ये भी कब तक जूझेंगी, किस चीज़ से जूझेंगी, इनको भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए जो इनके साथ खड़ा रहे। तो हम बिल्कुल इनको प्रॉमिस करके जा रहे हैं, और यहाँ की जनता को भी प्रॉमिस कर रहे हैं कि हम हमेशा साथ रहेंगे, आप हमारे साथ जुड़िए, और फिर हम पूरा प्रयास करेंगे कि यहाँ से नशा बिल्कुल मुक्त हो जाए। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत मैडम, मैं आपसे भी, क्योंकि बातचीत के क्रम में आपकी बात सबसे पहले आ गई कि लेडी सिंगम और महारानी, क्या क्या नाम, जिस तरह से नाम आपको दिया गया, रियली और दिया भी जाता है, इससे पहले भी आपको बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे, इवन पत्रकार लोगों ने भी आपका नाम दे चुके हैं, तो मैं चाहूँगा आप भी दो शब्द इसके विषय में। नहीं, काफ़ी खुशी है, और इन लोग का जोश क्रोश देख के लग रहा है कि हम लोग इस बैनर को बहुत दूर तक ले जाएंगे और अपने मुकाम तक पहुंचेंगे, भ्रष्टाचार मिटाएंगे और लोगों को न्याय दिलाने का काम करेंगे, और हमारी एक बड़ी सी कमेटी होगी, और इस बैनर तले जब हम लोग इतने अच्छे काम करेंगे तो स्वाभाविक है कि नाम इस बैनर का पहले से रोशन है और ज़्यादा रोशन कर पाएंगे।
बाकी नाम की बात है तो कर्म के आधार पे नाम आता है, तो नाम तो आप लोग नामकरण करते हैं, कर्म करना मेरा काम है जो मैं करती रहती हूँ और करती रहूँगी। धन्यवाद। ये संस्था के सारे पदाधिकारियों से मैंने बातचीत करी, और लेकिन सबसे ज़रूरी, क्योंकि लेडी सिंघम के नाम से विख्यात जो लेडी हैं रियली रक्सौल के लिए और रक्सौल के आसपास के लिए, ये तो ज़रूर कहा जाता है कि रक्सौल की आन बान और शान, इन तीनों में बढ़ चढ़ के अगर भागीदारी रहती है तो वो लेडी सिंघम पूर्णिमा भारती जी का है। बहुत बहुत धन्यवाद।